आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन मानता है। आरएसएस कितना देशभक्त और राष्ट्रवादी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो देश के झंडे का सम्मान नहीं करता और यहाँ तक कि भारत के संविधान को भी नहीं मानता। इसी को लेकर पत्रकार दिलीप मंडल ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें बताया है कि आरएसएस ने क्यों आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। दिलीप मंडल ने लिखा है कि कल मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजिस्टर्ड एप्लीकेशन स्वीकृत के एक कार्यक्रम में शामिल रहूंगा। चूंकि आरएसएस भारतीय संविधान और कानून को नहीं मानता इसलिए उसने अपनी संस्था का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अरबों रुपए और कई शहरों में इसकी जायदाद है लेकिन ये अपने अकाउंट की ऑडिटिंग सरकार को नहीं सौंपता। सरकार के खाते में ये संस्था है ही नहीं। आरएसएस के नाम से कोई रजिस्टर्ड संस्थान ना होने के कारण नागपुर के जनार्दन मून साहिब ने जब इस नाम की संस्था ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराई तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की जो भी कानूनी संस्था है उसका संचालन जनार्दन मून करते हैं। मुझे उन्होंने अपने कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। नागपुर यानी नागभूमि मेरे लिए हमेशा आदर की जगह है इसलिए मैंने आने की स्वीकृति दे दी है। मिलते हैं नागपुर के दोस्तों। मेरा व्याख्यान का विषय होगा राष्ट्र की अम्बेडकरवादी अवधारणा बनाम राष्ट्र का कांग्रेसी संघी विचार। जो लोग इस बारे में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ग्रंथों की सूची, बाबा साहेब का संविधान सभा का आखिरी भाषण, थॉट्स ऑन पाकिस्तान डॉक्टर अंबेडकर, इंडियन आइडियोलॉजी पेरी एंडरसन, व्हाट इज अ नेशन अंसर ट्रेनॉन, इमेजिन्ड कम्युनिटीज बेनेडिक्ट एंडरसन, नेशनलिज्म विदाउट अ नेशन जी एलोसियस, अंबेडकर ऑन नेशनलिज्म प्रोफेसर प्रदीप अगलवे। दिलीप मंडल ने अपनी पोस्ट में बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। नागपुर के जनार्दन मून ने इसी नाम से अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया है जिसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की संस्था कानूनी रूप से जनार्दन मून की है। मोहन भागवत की आरएसएस का रजिस्टर्ड ना होना ये बताता है कि उनका भारतीय संविधान में कोई विश्वास नहीं है। वहीं दूसरी पोस्ट दिलीप मंडल ने ईवीएम को लेकर लिखी है, वीवीपैट का आचार। एक आधुनिक लोक कथा, कहानीकार दिलीप मंडल, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, मिलोर्ड ईवीएम फ्रॉड है, बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, आपका कहना सही है, ईवीएम विश्वास योग्य नहीं है, हर मशीन के साथ कागज की पर्ची निकालने वाली मशीन वीवीपैट लगाई जाए, 2013 का फैसला। चुनाव आयोग, वीवीपैट लग गया मिलोर्ड। कांग्रेस गुजरात चुनाव के समय 25% ईवीएम के वीवीपैट पर्चे की गिनती करा दी जाए मिलोर्ड। चुनाव आयोग, मिलोर्ड आपने वीवीपैट लगाने को कहा था, गिनने को तो कहा ही नहीं था। जस्टिस मिश्रा, चुनाव आयोग सही कह रहा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव से पहले 10% वीवीपैट ही गिनवा दीजिए मिलोर्ड। चुनाव आयोग, ये तो जुल्म होगा मिलोर्ड। सुप्रीम कोर्ट, हम जुल्म नहीं होने देंगे। अपनी अगली पोस्ट में दिलीप मंडल ने राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए लिखा है कि महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। गैर बराबरी से लड़ने वाले लोगों के प्रेरणा स्रोत और किसी भी तरह के अन्याय पर आधारित वर्चस्व के खिलाफ संघर्षों की थाती है डॉक्टर लोहिया। कभी डॉक्टर लोहिया ने कहा था, इस देश के दिमाग पर ब्राह्मण का राज है और जेब पर बनिया का राज है। दिमाग पर से ब्राह्मण का राज खत्म करना है और जेब पर से बनिया का राज। डॉक्टर लोहिया का सपना अधूरा है और लोहिया के कोख से निकला समाजवाद कैसे लक्ष्य हासिल करे इसके लिए संकल्पित होने की जरूरत है। अपनी अगली पोस्ट में मंडल लिखते हैं, एक ब्राह्मण ने राम के दरबार में कहा कि मेरा बेटा मर गया। राम ने पूछा, क्यों, कैसे? ब्राह्मण ने जवाब दिया, शंभूक नाम का एक शूद्र पढ़ लिख रहा है, तपस्या कर रहा है, इससे अधर्म हो गया और मेरा बेटा मर गया। राम घोड़े पर सवार होकर निकले और पेड़ के नीचे पड़ रहे युवक से पूछा, तुम शंभूक हो? शंभूक ने कहा, जी मैं शंभूक हूँ, ज्ञान की खोज में हूँ। राम ने तलवार निकाली और शंभूक का सिर काट दिया। बाबा साहेब ने रिडल्स इन हिंदुइज्म में इस घटना का विस्तार से जिक्र किया है। दिलीप मंडल ने अपनी आखिरी पोस्ट मीटू में फंसे मोदी के मंत्री एमजे अकबर के नाम लिखी जिसमें वो लिखते हैं, क्या आपने इसे पढ़ लिया? एमजे अकबर नपेंगे तो नरेंद्र मोदी कैसे बचेंगे? दिसंबर 2013 में मैंने मैनेजिंग एडिटर रहते हुए इंडिया टुडे हिंदी का ये कवर बनाया था। एमजे उस समय तक इंडिया टुडे छोड़कर बीजेपी में जा चुके थे।
अरुण पुरी मेरे प्रधान संपादक थे, यह कवर इंग्लिश मैगजीन में नहीं छपा, मेरी मैगजीन में छप गया और लाखों घरों और लाइब्रेरी में पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी पत्रिका इंडिया टुडे की बिक्री उस समय अच्छी खासी हुआ करती थी। जो आदमी प्रधानमंत्री पद का दावेदार था और ओपिनियन पोल बता रहे थे कि वह पीएम बनने जा रहा है, उसके बारे में इस विवाद को छापना कि वह अपने मंत्री से एक लड़की का पीछा करवाता है, आसान काम नहीं रहा होगा। इस बात को कवर पर लाकर हर शहर कस्बे तक पहुँचा देने का मतलब आप समझ सकते हैं। यह एक जोखिम था जो मैंने ये जानते हुए लिया कि इसकी कितनी भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ सकती है। पत्रकारिता में ये मेरी अग्नि दीक्षा थी। अरुण पुरी ने मुझे यह करने दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी रहूंगा। यह कवर अरुण पुरी की मंजूरी से प्रेस में छपने गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।